तो देखो आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, हमें कंटेंट ज्यादा है आज के लिए। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, ऑब्जेक्ट इमेज की वेलोसिटी। देखो इसमें ए वी ए वेलोसिटी से चल रहा है और बी वी बी वेलोसिटी से चल रहा है। मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन से डिनोट करते हैं, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू से डिनोट करो। हाँ नहीं करना सही बोलूंगा। तो ये वेलोसिटी इस क्वेश्चन में लिखा है, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय ए, नहीं ए सीन बाय बी होगा, सॉरी ए सीन बाय बी एंड द वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए। तो कैसे करेंगे फास्ट देखते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पोजीशंस को लेकर के एक फॉर्मूला कहा था कि प्लेन सरफेस के लिए म्यू टू डिवाइडेड बाई वी माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई यू एंड राइट हैंड साइड पर जीरो आ जाता है, बिकॉज प्लेन सर्फेस का मतलब रेडियस आर इन्फिनिटी। तो इसको प्रोसीड करने का तरीका ये, देखो वेलोसिटी का न्यूमेरिकल ऑप्टिक्स में कभी भी आए किसी भी सेगमेंट में, मिरर में चाहे रिफ्रैक्शन में, सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप ऑब्जेक्ट ए का एक डिस्टेंस डिनोट करिए स्मॉल एक्स मान लेते हैं, और ऑब्जेक्ट बी का एक डिस्टेंस डिनोट करो स्मॉल बी। सबसे पहले जब ए सीन बाय बी इसकी बात करते हैं, ए सीन बाय बी, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की आइडेंटिफिकेशन करो। ए इज सीन बाय बी मतलब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ और ऑब्जर्वर कौन सा हो गया इसमें। सर ए ऑब्जेक्ट, तो ए ऑब्जेक्ट हो गया और बी हमारा ऑब्जर्वर हो गया यहाँ पर। तो रे रे जो होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर जाएगी, रे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जर्वर, यानी जो रे होगी वो ए से बी की तरफ आएगी। अब जब रे ए से बी की तरफ आएगी तो आप म्यू वन म्यू टू और सब आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप ए की इमेज को लोकेट करो कि ए की इमेज कहाँ बनेगी, इस फॉर्मूले से म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू जीरो वाले फॉर्मूले से। वी मतलब लोकेशन ऑफ इमेज। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे म्यू टू डिवाइडेड बाय इमेज ऑफ, मतलब यहां पर सिंबल वी जो है वो बेसिकली ए की इमेज लोकेशन को बताएगा। सो वी म्यू वन ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये एक्स रख देंगे, इसको इक्वल टू कर देते हैं यहां पर। यानी सिंपली आप ये कह सकते हो कि जो वी आएगा वो म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा इसको, अगर मैं रे डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो इसका क्या मतलब हुआ जानते हो, अगर इस चीज को रे डायग्राम से समझना चाहो तो इसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट ए से कोई रे आएगी, ऑब्जेक्ट ए से, और सरफेस पर रिफ्रैक्ट होने के बाद, सरफेस पर जब वो रे रिफ्रैक्ट होगी तो उसको जब आप बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे, उसको बैक साइड पर एक्सटेंड करिए, तो यहाँ कहीं पर ए की इमेज दिखेगी रिफ्रैक्शन के बाद, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए। और ये डिस्टेंस जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए की दिखेगी, इस डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। इसी को रियल और एपरेंट के हिसाब से कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट ए की जो रियल लोकेशन है वो सरफेस से ऑब्जेक्ट ए का रियल लोकेशन स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर है, बट क्योंकि बी वाले ऑब्जेक्ट के पास जब रे आएगी तो रिफ्रैक्ट होने के बाद आएगी, ऑब्जेक्ट ए की रे डायरेक्टली बी तक नहीं जाएगी, जो भी रे होगी वो डेविएट करने के बाद बी की तरफ आएगी। तो डेविएशन होने की वजह से ऑब्जेक्ट बी को ऐसा लगेगा कि ए वाला जो पॉइंट है वो एक्स डिस्टेंस पे होने की बजाय म्यू टू बाई म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स डिस्टेंस पर है। एंड दैट मीन्स कि जो पोजिशन ऑफ ए होगी, पोजिशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी, अगर कैलकुलेट करूँ मैं कि बी से ए की क्या लोकेशन आएगी, तो पोजिशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। देखो आप, मतलब बी को अगर हम अपना ओरिजिन मानते हैं तो B से कितने डिस्टेंस पर A दिखेगा, तो B से पहले Y डिस्टेंस ये सरफेस का, और सरफेस के कितना पीछे मुझे A दिख रहा है वो डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो Y एंड प्लस सरफेस के दूसरे साइड पर A का जो डिस्टेंस X रियल वाला है वो तो दिखेगा नहीं, उस रियल की जगह आपको एपरेंट डिस्टेंस दिखेगी। तो उसको लिखोगे आप म्यू टू बाई म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स। और अब आप काइनेमेटिक्स यूज करो कि पोजिशन को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी आ जाएगी, तो इस पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और उसके बाद हमको मिल जाएगा कि वेलोसिटी क्या बनेगी यहाँ से। सो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अगर कैलकुलेट करना होगा तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यानी कि ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी प्लस म्यू टू बाई म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब आप डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यूज पुट कर दे क्या होंगी, तो डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी की अगर हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर क्या रखेंगे, डी वाई बाई डी टी यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी होगी, मतलब जो डिस्टेंस माइनस वी बी माइनस वी बी सर माइनस वी बी, और डी एक्स बाई डी टी को क्या रखेंगे सर प्लस वी है, प्लस वी है, प्लस किस हिसाब से कह रहे हो डी एक्स सर वो
कि सर मतलब वो x को x कम हो रहा है ना, तो फिर ये माइनस हुआ, ये भी तो माइनस हुआ। यस सर ये भी माइनस होगा भाई, दोनों डिस्टेंसेस कम हो रही हैं। ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन दी गई है, ऑब्जेक्ट ए सरफेस की तरफ जा रहा है यानी ये डिस्टेंस x रिड्यूस करेगा, ऑब्जेक्ट बी भी सरफेस की तरफ जा रहा है यानी डिस्टेंस y भी डिक्रीज करेगा। दोनों डिक्रीजिंग वेरिएबल्स है, दोनों के डेरिवेटिव्स को आप माइनस के साइन के साथ रखोगे यानी कि ओवरऑल आंसर आपका माइनस में आएगा। और ओवरऑल आंसर माइनस में आने का मतलब क्या है कि बी को क्या दिखाई पड़ रहा होगा, बी को ऐसा लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो टुवर्ड्स बी आ रहा है, पास आ रहा है, बिकॉज वेलोसिटी माइनस में आ रही है। सीधा सा कंसेप्ट इसको लगाएंगे, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट है इसके लिए। और देखो कुल मिलाकर के ये भी कह सकते हो कि जो एपरेंट वेलोसिटी होगी वो रियल वेलोसिटी में आपको म्यू टू बाई म्यू वन मल्टीप्लाई कर देना है, सीधा सा कंसेप्ट है। आप म्यू टू बाई म्यू वन मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एपरेंट वेलोसिटी मिल जाएगी एक्चुअल वेलोसिटी में। एक पार्ट मैंने इसका छोड़ा हुआ है, वो पार्ट आप करोगे जब दूसरी तरीके से देखना है बी सीन बाई ए। मैं इस एग्जाम्पल को ना एक और तरीके से समझा देता हूँ, ऑब्जेक्टिवली कैसे करना है तुम्हें इस क्वेश्चन को, अगर आप ऑब्जेक्टिवली करना चाहो। हालांकि ये भी ऑब्जेक्टिव ही था, मतलब अगर यहाँ पर एक सरफेस है और मान ले कि कोई ए ऑब्जेक्ट 4 cm/s से आ रहा है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर सरफेस से दूर जा रहा है, मान लो सरफेस से दूर जा रहा है 6 cm/s से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन की वैल्यू 3 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू की वैल्यू 6 मान लेते हैं। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ऑब्जेक्ट की जो रियल वेलोसिटी है 4 cm/s उसको हटा दीजिए आप, रियल वेलोसिटी की जगह पर आप एपरेंट वेलोसिटी यूज करो उसकी। और एपरेंट वेलोसिटी निकालने का सीधा सा तरीका ये लगाना, एपरेंट वेलोसिटी बराबर रियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। तो रियल वेलोसिटी इसकी 4 cm/s की है और म्यू टू बाय म्यू वन में आपको रे का डायग्राम देखना पड़ेगा कि रे कौन से मीडियम की तरफ जाएगी। तो नेचुरली वो ऑब्जेक्ट से आई की तरफ जब जाएगी तो रे का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यानी कि उस रे के लिए फर्स्ट मीडियम 3 होगा और सेकंड मीडियम 6 होगा। तो 6/3 दैट मीन्स की 8 cm/s। तो इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट ए 8 cm/s से राइट साइड चल रहा है और ऑब्जर्वर खुद भी 6 cm/s से राइट साइड चल रहा है। तो अब आप काइनेमेटिक्स लगाओ, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इनके बीच में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक 8 cm/s से और दूसरा 6 cm/s से, तो रिलेटिवली राइट हो जाएगा 2 cm/s से। देखो राइट या लेफ्ट ऐसे, हाँ देखिए मतलब ऑब्जेक्ट ए अपीयर्स टू बी, एक्चुअल में नहीं, ऑब्जेक्ट ए अपीयर्स टू बी एट 8 cm/s और किसको अपीयर हो रहा है, इस आई को अपीयर हो रहा है जो आई राइट साइड डायरेक्शन में 6 cm/s से चल रही है। तो रिलेटिव टू दिस ऑब्जर्वर क्या वेलोसिटी हुई, आप खुद देख लो वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अब तो काइनेमेटिक्स लगा लो, तो वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर विल बी 8 - 6 दैट इज +2 cm/s। समझ आई बात आपको, ये से ऑब्जेक्ट माइनस ऑब्जर्वर, यानी आई को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट उसकी तरफ 2 cm/s से आ रहा है उसकी तरफ। और क्वेश्चन दिखा देते हैं इसमें, देखो यहां पर क्या करोगे, यहाँ सरफेस भी मूव कर रहा है, सरफेस भी मोशन में है, ऑब्जेक्ट्स भी। तो एक काम करें, इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलेंगे, मान लो वी ए की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 6 cm/s की है, वी बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 4 cm/s की है और सरफेस की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 cm/s की है। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके चलो, मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको वो 2 है और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल 3 है। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विच इज सीन बाय बी, इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो ए सीन बाय बी, ये लॉजिक लगाओ। तो सबसे पहले एक काम करिए, पोजिशन फाइंड करो आप, मतलब पोजिशन ऑफ ए निकालो। ये वैसे मेरा आपको एडवाइस यही होगा कि जनरलाइज अप्रोच पे चलो, पोजीशन ऑफ ए सीन बाय बी निकालो कितना होगा ये देखो। तो हम क्या करेंगे ना, बी से सरफेस का डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं कि सपोज बी से हमारा सरफेस एक्स वन डिस्टेंस पर है और सरफेस से ए एक्स टू डिस्टेंस पर है। तो फिर पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी जब निकालेंगे ना, पोजीशन ऑफ ए सीन बाय बी, तो इसमें एक्स वन प्लस
ये जो x2 डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये x2 डिस्टेंस x2 अपीयर नहीं होगा, x2 रियल डिस्टेंस है, लेकिन ये अपीयर किसी और तरीके से होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए दूसरे मीडियम के अंदर है, ऑब्जर्वर दूसरे मीडियम के अंदर है। क्या फिक्स था मैं? हाँ, तो x2 कितना अपीयर होगा उसके लिए आप x2 में mu2 by mu1 मल्टीप्लाई कर दें बस। ये ऑब्जेक्टिवली ऐसे याद रखेगा कि कोई डिस्टेंस ही खेल, मतलब कोई डिस्टेंस दूसरे मीडियम में कितनी अपीयर होगी, x2 डिस्टेंस प्रेजेंट विराट के 43 से कोई फर्क नहीं इन द मीडियम 1, x2 डिस्टेंस प्रेजेंट इन द मीडियम 1। राके चले गए थे, ये भी थे तो समझ लो। तो अब ये आंसर इतना आएगा x1 plus x2 into mu2 by mu1। इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आ जाएगा dx by dt plus mu2 by mu1 into dx2 by dt। अब इसकी वैल्यूज पुट कर दो क्या होगा, dx by dt और dx2 by dt की वैल्यूज। तो dx1 by dt, अब एक चीज ध्यान रखो, x1 डिस्टेंस पॉइंट b और सरफेस के बीच का है, b और सरफेस के बीच में x1 डिस्टेंस है, तो dx1 by dt b और सरफेस के बीच की रिलेटिव स्पीड कहलाएगी, और b और सरफेस के बीच की रिलेटिव स्पीड निकालोगे 4 सेंटीमीटर पर सेकंड और 1 सेंटीमीटर पर सेकंड एक दूसरे के अपोजिट चल रही है, तो टोटल ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, और साथ में माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि x1 रिड्यूस करेगा यहाँ पर। म्यू टू बाई म्यू वन का मतलब यहाँ 3 बाई 2 हो गया, और डी एक्स टू बाई डी टी, तो ये जो x2 डिस्टेंस है ये कितने रेट पर चेंज हो रहा होगा, तो डिस्टेंस x2 ऑब्जेक्ट ए और सरफेस के बीच का है, ऑब्जेक्ट ए और सरफेस दोनों ही मोशंस में है, ए भी चल रहा और सरफेस भी चल रहा, तो आप इनका रिलेटिव यूज करेंगे 6 और 1 का रिलेटिव, यानी कि 5 हो गया ये भी। अब इसके आगे पॉजिटिव साइन लगाना है या नेगेटिव साइन लगाना है ये इस बात से देखो कि ए और सरफेस के बीच एक दूसरे से सेपरेट होंगे या एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब तो ये अप्रोचिंग पे है, तो आगे माइनस साइन लगा दीजिए। टोटल आंसर इसका बन जाएगा यहाँ पर, ओवरऑल जो है टोटल तो माइनस में ही आएगा, और 3 बाई 2 मतलब 5 इंटू 12.5 आ रहा है, 15 बाई 2 7.5 और 5। हाँ यस सर। अब ओवरऑल माइनस में आने का क्या मतलब होगा यहाँ पर, कि बी को ऐसा लगेगा कि जो ए है उसकी तरफ आ रहा है, बी को लगेगा कि ए उसकी तरफ 12.5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। ऐसे ही जब आपको ये निकालना हो कि बी सीन बाय ए, बी सीन बाय ए मतलब ऑब्जेक्ट बी हो गया, तो आप पहले इसका पोजीशन कैलकुलेट करें, पोजीशन ऑफ बी सीन बाय ए। तो अब देखो आप, अब की बार ए ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है वो तो रियल में रखोगे आप, ऑब्जर्वर की डिस्टेंस तो एक्चुअल वाली x2, लेकिन जो ऑब्जेक्ट b है उसकी जो डिस्टेंस है यानी कि x1, तो वो mu1 by mu2 x2 हो जाएगा। मतलब क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर बताओ सर, mu1 by mu2 मतलब 2 by 3 या 3 by 2, 2 by 3 बस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है। मतलब न्यूमेरेटर में आपको क्या रखना है, देखो सिंपल सा तरीका होता है, x1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, सीधा सा तरीका, और प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगी कि म्यू टू बाई म्यू वन का क्या मतलब होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाय ए कितना होगा, बी एक्स टू बाई डी टी की वैल्यू बताइए, इसमें डी एक्स टू बाई डी टी आएगा पहला, तो डी एक्स टू बाई डी टी ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, माइनस 5 प्लस 2 बाई 3 टाइम्स डी एक्स वन बाई डी टी, और डी एक्स वन बाई डी टी भी माइनस 5 है, तो अब इसका जो आंसर बनेगा आपका ये भी माइनस में आएगा, लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा इसका, ये 5 इंटू 2 10 बाई 3 माइनस 10 बाई 3 और माइनस 8.33 के आसपास आएगा कुछ, माइनस 25/3 लगभग। यस सर, तो देखिए तो ये थोड़ा सा काइनेमेटिक्स अलग नहीं हो गया, मतलब ए की नजर में बी की अलग स्पीड है और बी की नजर में ए की अलग स्पीड है, लेकिन काइनेमेटिक्स में जब आप रिलेटिव मोशन पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले या फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालिए, काइनेमेटिक्स चैप्टर में, कि आप स्पीड ऑफ ए रिलेटिव टू बी कैलकुलेट करो या फिर स्पीड ऑफ बी रिलेटिव टू ए कैलकुलेट करो, ये दोनों का आंसर सेम आता था। बट यहाँ पर
ए के रिलेटिव बी की अलग वेलोसिटी है और बी के रिलेटिव ए की अलग वेलोसिटी है, और ये है रोल ऑफ ऑप्टिक्स बिकॉज ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में है, तो उनकी लोकेशंस जो हैं उनकी पोजीशंस अपेरेंटली चेंज हो रही है, और अपेरेंट चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड भी इनकी अलग अलग आएगी। सर सर एक बार ये dx1 by dt कैसे आया ये बता दीजिए। x1 ये डिस्टेंस है, x माइनस 5 कैसे है ये इससे आ रहा है। x1 डिस्टेंस जो है वो ये जो सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन होना है उस सरफेस और b के बीच का डिस्टेंस है। किसी भी डिस्टेंस का डेरिवेटिव, बेसिकली कोई भी डिस्टेंस का डेरिवेटिव जब लिखते हो तो आप ये देखा करो कि वो डिस्टेंस किन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, और अगर वो दोनों पॉइंट्स मोशन में हैं तो आप उनकी रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करिए। सरफेस का मोशन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से राइट साइड हो रहा है और बी का मोशन 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से लेफ्ट साइड हो रहा है। काइनेमेटिक्स कहता है कि जब दो पॉइंट्स अपोजिट डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उनकी दोनों की स्पीड को आप ऐड कर देते हो, 4+1 कर देते हो, तो उससे आपका रिलेटिव स्पीड 5 का बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ है चीज? यस। एक और एग्जांपल तुमको उसको समझने के लिए देते हैं, मतलब इसे रिलेटिव और अपेरेंट को समझने का एक और एग्जांपल देते हैं। मान ले यहाँ पर कोई सरफेस है और सरफेस के नीचे मान लीजिए वाटर है और सरफेस के ऊपर एयर है। इनसाइड वाटर कोई पर्सन है और उस पर्सन ने क्या किया, एक बॉल थ्रो की विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और वो पर्सन वाटर के इस सरफेस से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का जो दे रखा है वो 4/3, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और बॉयंसी नेग्लेक्ट करनी है इसमें, मतलब नेग्लेक्ट बॉयंसी एंड रेजिस्टेंस कुछ भी, तो बॉयंसी नेग्लेक्ट करना है और फ्रिक्शन वगैरह सब नेग्लेक्ट कर दीजिए, मतलब मोस्ट आइडियल केसेस का, मतलब सिर्फ ग्रेविटी कंसिडर करनी। पर्सन के हिसाब से बताओ बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रिलेटिव टू द पर्सन, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉल रिलेटिव टू पर्सन अगर कैलकुलेट करना हो मेरे को यहाँ पर, तो आप पहले काइनेमेटिक्स फॉलो करो। काइनेमेटिक्स के हिसाब से आप सिंपली इसकी मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करिए, तो काइनेमेटिक्स के हिसाब से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला व्हेन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज यू स्क्वायर बाय 2g, कितना आंसर आ जाएगा ये देखो। अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स अगर वैल्यू पुट करो, g इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं यहां पर, सर 20 मीटर, बट ये काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स है, लेकिन आप ये 20 मीटर सेम मीडियम में कवर नहीं कर रहे हो, ऑप्टिक्स अलग होता है, ऑप्टिक्स दिखने के ऊपर होता है। तो आप 20 मीटर अगर जाओगे भी ना, मतलब अगर ये मैक्सिमम हाइट 20 मीटर पे है भी तो वो ज्योमेट्रिकली 20 मीटर पे आएगी, लेकिन आउट ऑफ 20 मीटर 5 मीटर तो आप वाटर में रहेंगे, रिमेनिंग 15 मीटर इन एयर में हो आप, और ये 15 मीटर इन एयर इस पर्सन को कुछ और अपीयर होगा यहाँ पर ऑप्टिक्स के हिसाब से। 15 मीटर इन एयर विल अपीयर एज 15 × 3/4, 15 × μ2/μ1 क्या करिए, बस μ2/μ1 का मतलब वाटर से एयर में जा रहे ना हम लोग, वाटर से एयर में रे जाएगी या एयर से वाटर में आएगी, देखो एयर से वाटर में आएगी, क्योंकि हम लोग देखेंगे तो बॉल को ना, बॉल ऑब्जेक्ट है, तो बॉल हवा में जब होगी तो रे नीचे की तरफ आएगी ना, बॉल से पर्सन की तरफ रे आएगी, यानी एयर से वाटर की तरफ रे जाएगी, तो वाटर आपका सेकंड मीडियम की तरीके से काम करेगा, तो μ2 हो गया 4/3, μ1 हो गया 1, अब ये पूरा डिस्टेंस 20 मीटर, मतलब 15 मीटर जो एयर में है वो पर्सन को 20 मीटर दिख रहा है, तो टोटल हाइट क्या बोलोगे, इसका आंसर क्या लिखोगे फाइनली, 25। हाँ, पर्सन की नजर में मैक्सिमम हाइट 25 मीटर की है, क्योंकि 5 मीटर तो पानी में ये बॉल जाएगी और एक्चुअल में 15 मीटर एयर में गई है, लेकिन वो 15 मीटर रिफ्रैक्शन की वजह से 20 मीटर लग रहा है आपको। समझ पा रहे रियल और अपेरेंट वाला कंसेप्ट कैसे लगाना है यहाँ पर? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाउ मल्टीपल रिफ्रैक्शंस, कई सारे पैरेलल सरफेसेस पर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस हो रहे होंगे, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर मीडियम 1 μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, मीडियम 2 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम 3 μ3, मीडियम 4 μ4, इस तरीके से है, और इंसिडेंट रे फर्स्ट वाले मीडियम के अंदर थीटा 1 एंगल बना रही हो,
फिर यहाँ पर सेकंड वो थीटा टू एंगल पर रिफ्रैक्ट हो गई हो, फिर ये एंगल भी थीटा टू बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल है। तीसरे मीडियम के अंदर ये थीटा थ्री एंगल पर चली गए, फिर ऑल्टरनेट एंगल से यहाँ भी थीटा थ्री, और चौथे मीडियम में ये थीटा फोर हो जाए। तो आप अलग अलग स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे। पहले वाले रिफ्रैक्शन पे सरफेस वन पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो सरफेस वन की स्नेल्स लॉ ये हो जाएगी साइन ऑफ थीटा वन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा टू, साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू सरफेस वन के लिए इक्वल टू फ्रॉम म्यू वन टू म्यू टू जा रहे हैं, सो इट इज ऑलवेज म्यू टू डिवाइडेड बाई म्यू वन। सरफेस टू पर थीटा टू हमारा इंसिडेंट एंगल बनेगा और थीटा थ्री हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। तो सरफेस टू पर स्नेल्स लॉ की इक्वेशन ये बन जाएगी साइन ऑफ थीटा टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा थ्री इक्वल टू म्यू थ्री डिवाइडेड बाई म्यू टू। और सरफेस थ्री पर जब जाएंगे तो साइन ऑफ थीटा थ्री डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा फोर इक्वल टू म्यू फोर डिवाइडेड बाई म्यू थ्री। अब इन सबको क्या होता है ना, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को तो म्यू वन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा वन, फर्स्ट इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए म्यू वन साइन थीटा वन विल बी इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, एंड देन सेकंड वाले से म्यू टू साइन थीटा टू इज इक्वल टू म्यू थ्री साइन थीटा थ्री, एंड देन फोर्थ वाले से म्यू थ्री साइन थीटा थ्री इज इक्वल टू म्यू फोर साइन थीटा फोर। इन्हें कुल मिलाकर के आप एक सो सिंपल वे में ये कह सकते हो कि म्यू और साइन थीटा का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक कांस्टेंट वैल्यू बन रही है। सिंप्लीफाइड कर सकते हो कि स्नेल्स लॉ को सिंपल वे में ऐसे कर सकते हैं कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू सारे मीडियम्स में। ठीक है, पॉइंट ये समझ में आया आपको यहाँ से? यस सर। यस यस। ओके, पहले वाले पर डेविएशन कितना हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि सरफेस वन पर कितना डेविएट हुए, मतलब जो लाइट इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन दिया जा रहा था आपको उस डायरेक्शन से हम लोग रिफ्रैक्ट होने के बाद कितने एंगल से डेविएट कर गए विद रिस्पेक्ट, और ये डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, डॉटेड लाइन के रिस्पेक्ट में आप एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा वन डेविएट हुए। फिर डेविएट होने के बाद सरफेस टू पर जो लाइट जा रही थी वो अपनी डायरेक्शन से कितना एंगल डेविएट होकर के सरफेस थ्री पर जा रही है, तो ये एंगल को हम डेल्टा टू मान लेते हैं सेकंड डेविएशन। और फिर थर्ड सरफेस पर ये जो लाइट आई है रे इंसिडेंट ऑन द थर्ड सरफेस, ये अपने एक्सटेंशन से फिर डेविएट हो गई बाय सम एंगल डेल्टा थ्री। तो वैल्यूज अगर कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वन की वैल्यू न्यूमेरिकल के हिसाब से दिख रही है, साफ दिख रही है, वो थीटा वन माइनस थीटा टू है, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज है। सेकेंड डेविएशन हमारा इन टर्म्स ऑफ थीटा टू एंड थीटा थ्री अगर देखें तो थीटा थ्री माइनस थीटा टू क्लॉकवाइज है, और तीसरा डेविएशन हमारे लिए थीटा फोर माइनस थीटा थ्री क्लॉकवाइज है। अब आप इसका टोटल डेविएशन अगर कैलकुलेट करोगे ना, नेट डेविएशन की वैल्यू, तो हम ये मानेंगे ना कि क्लॉकवाइज डेविएशन अगर प्लस मान लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, तो साइन के साथ ऐड करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के थीटा वन माइनस थीटा फोर। हाँ यस सर, थीटा वन माइनस थीटा फोर, थीटा फोर माइनस थीटा थ्री प्लस में, थीटा थ्री माइनस थीटा टू प्लस में, और ऊपर का डेविएशन माइनस में रख दीजिए तो थीटा वन माइनस थीटा टू आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ का टोटल डेविएशन जब कैलकुलेट किया जाएगा तो टोटल डेविएशन अभी आप लोगों ने बोला सही बोला था, क्या आंसर था वो थीटा फोर माइनस थीटा वन, ये नेट डेविएशन आएगा। इसका काफी मतलब इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन से अभी आपको दिखाएंगे, म्यू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में से है। और यहाँ पर एक और समरी कहते हो कि अगर आप फर्स्ट मीडियम और मीडियम फोर जो लास्ट वाला मीडियम है अगर ये आइडेंटिकल हो जाते, तो मीडियम वन और मीडियम फोर अगर आइडेंटिकल हो जाए, पैरेलल हो जाते हैं, हाँ, तो बेसिकली म्यू वन और म्यू फोर अगर बराबर हो गए, म्यू वन बराबर म्यू फोर, तो साइन ऑफ थीटा वन बराबर साइन ऑफ थीटा फोर, मतलब थीटा वन बराबर थीटा फोर, और थीटा वन थीटा फोर अगर बराबर बराबर एंगल्स आएंगे तो अल्टीमेटली डेविएशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अल्टीमेटली डेविएशन के जीरो होने का मतलब होगा कि ये जो रे इमर्ज हो रही है और ये जो रे इंसिडेंट हुई थी
इनके बीच कोई एंगल ही नहीं बन रहा होगा, दोनों जीरो डिग्री के एंगल पर बनेंगे, दैट मीन्स ये दोनों रेज आपस में कंप्लीटली पैरेलल रेज आएंगी। तो ये हमेशा वहां पर होगा जहां पर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे पैरेलल रेज, ओवरऑल डेविएशन की वैल्यू जीरो के बराबर। नेक्स्ट देखो, इसी के ऊपर ग्लास स्लैब है, बट इसके पहले एक हमारा क्वेश्चन है मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझना है आपको, प्रॉब्लम है यहाँ पर। मीडियम ऑफ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं फिर बोल रहा हूँ हम इसमें कंसेप्ट ये वाला फॉलो करेंगे। देखिए ये भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये यहाँ पर भी वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन से चेंज होकर के म्यू टू, म्यू टू से चेंज होकर के म्यू थ्री, और म्यू थ्री से चेंज होकर के म्यू फोर। तो वेरिएशन यहाँ भी हो रहा है, बट ये वेरिएशन रेगुलर वेरिएशन में नहीं आएगा। म्यू वन से म्यू टू आप एक पॉइंट पर चेंज हुए, उसके बाद कुछ डिस्टेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट हो गया, फिर एक पॉइंट आया जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू से म्यू थ्री में चेंज हुआ, फिर सम डिस्टेंस के लिए कॉन्स्टेंट, और फिर चेंज हो गया म्यू फोर के लिए। तो ये एक पॉइंट पर चेंज कर रहा है, और अगले क्वेश्चन में वो एक कंटिन्यूअस चेंज है, रेगुलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर रहे हैं आप। तो जब पॉइंट पर चेंज हो रहे हैं तो रे बार बार डेविएट हो रही है, कभी इधर डेविएट हो रही है, कभी इधर डेविएट हो रही है, कभी इधर डेविएट हो रही है। अगर यही डेविएशन, अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूअस वेरिएशन में आ जाएंगे, तो ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन पाथ बनने की बजाय, बिकॉज ये हर एक मोमेंट पर डेविएट होते रहेंगे, हर एक मोमेंट पर रे अपने प्रीवियस डायरेक्शन से कुछ टर्न कर जाएगी, और अगर ये कंटिन्यूअस टर्न हुआ तो इनसाइड वाला पूरा पूरा जो कर्व बन जाएगा, कर्व बनेगा, और इसीलिए रे को एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रे होगा वो एक कर्व बनेगा, और इस क्वेश्चन में इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करने को दी गई है कि ये जो कर्व बनेगा रे का, वो उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी। सो क्वेश्चन लेफ्ट साइड पर मेंशन है, ये डी इसका डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, डी डिस्टेंस का ये स्लैब है। नाउ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर मेकर नहीं मेक्स मेक्स अ नियर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द स्लैब एंड टेकिंग द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एज ओरिजिन 0.0.0। यहाँ पर आप ओरिजिन मान रहे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन दे रखा है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है। तो डिटरमाइन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर द रे इंटरसेक्ट्स द अपर सरफेस, यानी यहाँ पर जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा। चलिए इसमें ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन क्या दिया गया है, जो दिया गया ना वो वेरी एक्स के साथ कर रहा है या वाई के साथ कर रहा है, सबसे पहला कंसेप्ट। यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है तो, हाँ मतलब ये एग्जांपल मैंने लिया है व्हेन म्यू गिवन एज फंक्शन ऑफ पोजीशन एक्स, ये दे रखा है आपको। तो आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहला स्टेप्स क्या करोगे, जहां पर रे इंसिडेंट हुई है वहां पर आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, और एक लाइन किसी आर्बिट्री पॉइंट पर बना लो आप। ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये नॉर्मल्स को इंडिकेट करेंगे। सो दिस इज नॉर्मल एट ओरिजिन, और ये पॉइंट मैं कोई जनरल पॉइंट मानता हूँ जहां पर एक्स कॉमा वाई होगा। आप नीचे वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने चूज किया एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई के लिए नॉर्मल लाइन होगी। अब ये नॉर्मल आप कर्व के नॉर्मल से कंपेयर मत करना, क्योंकि नॉर्मल टू कर्व जो होता है वो अलग अलग चीज होती है। ये नॉर्मल टू कर्व नहीं है, ये ऑप्टिकल नॉर्मल बोलते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से होता ही। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस विल बिहेव एज अ नॉर्मल। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फंक्शन ऑफ वाई, देन लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस विल बिहेव एज नॉर्मल। मतलब ये वो नॉर्मल्स है जिसके साथ आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करोगे और उसके साथ अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेक करोगे। और क्योंकि रे कर्व बना रही है तो डायरेक्शन ऑफ रे इस कर्व का इंस्टेंटेनियस टेंजेंट के थ्रू डिनोट करेंगे। कर्व की जो इंस्टेंटेनियस टेंजेंट होगी ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर, पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर डायरेक्शन ऑफ रे को इंडिकेट करेगा। तो पॉइंट एक्स कॉमा वाई पर डायरेक्शन ऑफ रे कर्व के टेंजेंट की तरफ है,
ऑप्टिकल नॉर्मल हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है, तो रे और ऑप्टिकल नॉर्मल के बीच का एंगल हम डिफाइन कर रहे हैं थीटा। रे और ऑप्टिकल नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा डिफाइन कर रहे हैं, और यही रे जब ओरिजिन पर इंसिडेंट हुई थी तो इसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऊपर की तरफ थी। जब ओरिजिन पर रे इंसिडेंट किया था तो ये एग्जैक्टली वाई एक्सिस की तरफ थी, और वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा था। तो 90 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है वहां पर, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये चीज मेंशन भी करी गई है, नियरली नॉर्मल इंसिडेंस यहाँ पर। तो नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब यही होता है एट 90 डिग्री विद द नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंस दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहां पर रे इंसिडेंट हुई है वहां पर एयर है, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है, और पॉइंट x, y पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होगी एट पॉइंट x, y रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वो इस फंक्शन के हिसाब से होगी, और प्रीवियस रिजल्ट के हिसाब से हम लोग ये कहेंगे कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। एंड दैट मींस कि आप ये कहोगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड साइन ऑफ थीटा मतलब एंगल बिटवीन द रे एंड नॉर्मल at the point of incidence is 90 degree. At point x, y, refractive index given as a function of mu naught into 1 upon 1 minus x by r. And then at this point, angle between the ray and normal is theta. So, यहाँ पर लगाओ sine of theta. ये आप लिखोगे. इसीलिए आपसे कहा था कि ये mu sine theta को हम variable refractive index में use करेंगे. उसके अलावा मैथ का कंसेप्ट यूज करोगे, जो रे की डायरेक्शन है वो कर्व का टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व, एंड इफ टेंजेंट टू द कर्व मेक्स थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, टेंजेंट टू द कर्व मेक्स थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, इमीडिएटली ये कह सकते हो दैट टेन ऑफ थीटा शुड बी डी वाई अपॉन डी एक्स, डेफिनेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फर्स्ट हमने स्नेल्स लॉ की इक्वेशन लगाई है, और सेकंड हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लगाई है, मतलब एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलस और एक ऑप्टिक्स। अब साइन थीटा आपको फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया, साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगी, तो उससे हम टेन थीटा की वैल्यू ऑप्टेन करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से जो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी उससे हम टेन थीटा की वैल्यू ला करके सेकंड वाली इक्वेशन में रखेंगे, और हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। म्यू नॉट की वैल्यू 1 है, ये जो म्यू नॉट है इसकी वैल्यू 1 है। तो आप चेक करो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो फर्स्ट इक्वेशन से साइन ऑफ थीटा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये साइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आर माइनस स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाई आर। अब इसको कन्वर्ट करिए कि टेन थीटा कितना बनेगा इससे, अगर साइन थीटा की ये वैल्यू बन गई तो टेन थीटा यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये आर माइनस स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय, अगर सब कुछ सही कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है चीज? बोलिए। नो सर, सॉरी माइनस होगा वहां पर, हाँ यहाँ पर माइनस, और ये जो टेन थीटा है ना इसको हम रख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब ये इक्वेशन बनेगी आपकी, देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको आर माइनस स्मॉल एक्स बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, इसे dx को आप राइट साइड लेके जाओ और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ विद लिमिट्स 0 टू y एंड 0 टू x। अब ये राइट साइड का फंक्शन इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल तो है ही है, बट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा ये आपको देखना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में जो r माइनस एक्स है और ये डिनोमिनेटर में, तो आप इसको इंटीग्रेट अब कैसे करोगे, कौन सा मेथड लगाओगे, क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड काम करेगा यहाँ पर, वो सब देख लिया हो जाएगा इंटीग्रेट, मतलब ये नहीं हो पाएगा, ये आर कांस्टेंट है इसमें, हो जाएगा सर, हो जाएगा।
सो अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी वाई और एक्स के बीच में, और वो इक्वेशन कर्व की इक्वेशन होगी, और वो कर्व जो रे के ट्रेजेक्टरी को डिफाइन कर रहा होगा। ठीक है, हाँ जी। अब उसका देखो वो कैसे करना है ये पोर्शन, क्योंकि ना इस पोर्शन को अगर मैं बता भी दूंगा तो कोई गारंटी तो है नहीं कि आपके एग्जाम में यही वाला फंक्शन आएगा, फंक्शन तो यहाँ पर बदल सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक बार अगर हमने ये मान लिया जाए कि इंटीग्रेट कर लोगे आप, ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपको इंटीग्रेशन आता है, और आप इसको इंटीग्रेट करके वाई और एक्स का एक रिलेशन ऑब्टेन कर सकते हो, यहाँ से वाई एक्स में रिलेशन मिल जाएगा मान लेते हैं, तो उस रिलेशन से हमारे आंसर्स कैसे आएंगे। पॉइंट ए पर कोऑर्डिनेट पूछा गया आपसे, वो भी कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये तो अब आ जाएगा ना यार, क्योंकि पॉइंट ए पर वाई कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का तो ये डिस्टेंस डी के बराबर ही होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट ए का पूछा जा रहा है, तो जब वाई एक्स का रिलेशन आ जाएगा तो ये वैल्यू भी आ जाएगी। एंड बी पार्ट कह रहे हैं राइट डाउन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एट पॉइंट ए, ये तो यहीं से आ जाएगा, म्यू का फंक्शन डायरेक्ट दे रखा है आपने, तो जब आपको पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट में, पॉइंट ए की एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो जाएगी, तो उस एक्स कोऑर्डिनेट को म्यू के गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूं, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉइंट ए पर आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, देखो ये इस बार म्यू मैंने वाई के फंक्शन पे लिए रखा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंक्शन ऑफ वाई है। अब आप इसमें क्या करोगे, देखो म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई है, तो इसके अंदर भी रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल, ग्रेजिंग एंगल दैट मीन्स की इंसिडेंट एंगल है 90 डिग्री, तो ये वैसे भी डायग्राम देखें तो जो रे है वो ऑलमोस्ट ऐसे आ रहा है। अच्छा, क्योंकि म्यू वाई का फंक्शन है तो अब की बार ऑप्टिकल नॉर्मल वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस होंगी, तो हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक किसी आर्बिट्री पॉइंट पर जाकर के आप वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइंस ड्रॉ कर दें। वो जो आर्बिट्री पॉइंट दिखा रहे हो आप, वहां पर रे को आप उसकी टेंजेंट की तरफ दिखाओ, उस पॉइंट का जो टेंजेंट है वो रे की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल बनाई गई है उसके साथ इसका थीटा एंगल दिखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ थीटा एंगल, और एक बार फिर यही कंसेप्ट लगाएंगे दैट म्यू और साइन थीटा का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा। तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए, वहां पर जो रे आ रही है वो लगभग वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही, तो साइन थीटा की वैल्यू इंसिडेंट वाले पॉइंट पर साइन 90 डिग्री, फिर से म्यू की वैल्यू, तो पॉइंट ए पर म्यू की वैल्यू वो फंक्शन से आ जाएगी, और वैसे भी वहां पर एयर है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वहां वन है। फिर से यही काम करो, ये जो बी पॉइंट है वहां पर, तो बी पॉइंट पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का ये फंक्शन के वाई टू दी पावर 3/2+1 होल टू दी पावर 1/2, और के की वैल्यू 1 है, तो मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के, के अगर 1 है तो के को हटा देते हैं, और ये वाई रेस टू दी पावर 3/2, ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फंक्शन है, एंड देन साइन ऑफ थीटा। सर हाँ जी सर, के की वैल्यू ऊपर -3/2 दी गई है, 1 की पावर -3/2, अबे तो 1 की पावर -3/2 भी तो बन ही आएगा। और दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पर, अब की बार ये जो रे है ना इसका एंगल थीटा वाई एक्सिस के साथ बन रहा आपका, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा, हाँ बिल्कुल, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कॉट थीटा बनेगी, क्योंकि अब की बार आप एंगल थीटा वाई एक्सिस से देख रहे हो। फिर वही काम करना है यार, फर्स्ट इक्वेशन से साइन थीटा की वैल्यूज निकाल करके उसको कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है, कॉट थीटा में कन्वर्ट करके आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी डी वाई बाई डी एक्स की, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस आप इंटीग्रेट करके वाई और एक्स का कर्व ऑब्टेन कर सकते हो। तो आगे छोड़ दें इसको, कर देंगे, फंक्शन डिफरेंट है, ये इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। दोनों एग्जाम्पल मैंने कराया, म्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स और म्यू एज ए फंक्शन ऑफ वाई, यही दोनों केसेस आते हैं आपके।
एक और डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मीडियम और वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट उसको मैंने स्पेशल टॉपिक में रखा हुआ है, स्फेरिकल मीडियम एंड वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन आएगा। मतलब आपको हिंट करने के लिए मैं बता देता हूँ क्या है वो, हिंट करने के लिए कि आप उसमें टॉपिक मेरा क्या होने वाला है, वो भी एक अच्छा अच्छा आर्टिकल है। मतलब उसमें कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, मीडियम आपका एक स्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है, स्फेरिकल मीडियम है, और उसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब अगर इसकी टोटल रेडियस को आर से डिनोट करें और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाएं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फंक्शन ऑफ आर दे रखा हो आपको, मान लो आर का फंक्शन, और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, बाहर किसी जगह से ऑलमोस्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई रे डालें, अगर ऑलमोस्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन से कोई हमने एक रे इंसिडेंट कराई लगभग 90 डिग्री पर, नियरली 90। अब ये 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि स्फेरिकल मीडियम में अगर म्यू स्मॉल आर का फंक्शन हुआ तो ये जो रेडियल डायरेक्शन होगी ये नॉर्मल होगा। अल्टीमेटली कंसेप्ट ये है कि म्यू कौन से वेरिएबल का फंक्शन है वो नॉर्मल की डायरेक्शन डिफाइन करेगा। तो इस नॉर्मल से हम लगभग थीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो होगी। अब म्यू हमारा आर का फंक्शन है ना, तो ये जो रे होगी ये इस मीडियम के अंदर आकर के कोई कर्व बना लेगी, इसके इनसाइड आकर के कुछ कर्व टाइप की इक्वेशन बनेगी। तो अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे, इसके ऊपर, इस कर्व के बारे में कि किस टाइप का कर्व बनेगा, क्या इक्वेशंस बनेंगी इसकी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, म्यू एक्स का फंक्शन, म्यू वाई का फंक्शन, और ये एक स्पेशल केस है जहां पर आप स्फेरिकल मीडियम विद वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं। इसको भी आप एक बार सोचो कैसे करना होगा, आई मीन फंडामेंटल से स्टार्ट करना। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, इसके अंदर म्यू साइन थीटा इज कॉन्स्टेंट वर्क नहीं करेगा, और अब इसके बारे में आपको सोचना है कि ये क्यों नहीं वर्क करेगा, यहाँ पर म्यू साइन थीटा कॉन्स्टेंट क्यों नहीं वर्क करेगा, ये इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। कुछ और वर्क करेगा यहाँ पर, कुछ और कंडीशंस आएंगी। और एक हिंट बता दे रहा हूं आपको सोचने के लिए, हिंट ये कि अगर ये सर्फेसेस एक दूसरे के पैरेलल ना होते तो जो नॉर्मल टू सरफेस वन एंड नॉर्मल टू सरफेस टू है ये भी आपस में पैरेलल नहीं मिलेंगे, और अगर दोनों के नॉर्मल्स आपस में पैरेलल नहीं मिलेंगे तो फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्टिंग एंगल और सेकंड सरफेस का इंसिडेंट एंगल, अगर ये नॉर्मल्स नॉन पैरेलल हो गए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द सेकंड सरफेस, जिसको दोनों को भी बराबर बराबर लिखा है, इनमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करना। नेक्स्ट आइए रिफ्रैक्शन बाय द ग्लास स्लैब। तो इसमें ये उस प्रॉपर्टी पर है हमारा ग्लास स्लैब का कंसेप्ट, ये जो इसी वाले रिजल्ट के ऊपर है कि अगर फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के कंप्लीटली पैरेलल मिल जाएंगे आपको, और इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा ग्लास स्लैब का वर्किंग है। तो जो ये इंसिडेंट रे आई है ये, और जो ये रे इमर्जेंट है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के, बिकॉज इधर का सराउंडिंग और इधर का सराउंडिंग सेम सराउंडिंग मान लें, आइडेंटिकल मीडियम दोनों तरफ मान के चलेंगे, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल रेज होती है। इनमें आपका एक डेरिवेशन आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, कि जो इंसिडेंट रे है उससे कितने डिस्टेंस पर ये रे इमर्ज करेगी, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल से डिनोट करते हैं। तो ये डिराइव करने को आता है यार, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और ये आसान डेरिवेशन है, क्लियरली डिराइव कर सकते हो। अगर आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को पी से डिनोट करें, इस पॉइंट को क्यू से डिनोट करें, तो पॉइंट क्यू से इंसिडेंट रे के एक्सटेंशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और इसको आर पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई मानेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आर मानेंगे। तो ये जो एंगल पॉइंट पी पर बनेगा इनसाइड दिस ट्रायंगल, ये वाला एंगल आई
माइनस आर होगा, और फिर ये वाला ट्राइंगल चूज करो पी क्यू आर, साइन ऑफ दिस एंगल आई माइनस आर विल बी क्यू आर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर विच इज पी क्यू। एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, जो पॉइंट पी का नॉर्मल है उसको आगे एक्सटेंड करो, पॉइंट पी की नॉर्मल को आगे एक्सटेंड करके एक पॉइंट लाओ जिसको पी डैश पॉइंट कह दो, और दूसरा ट्रायंगल आप ये चूज करो पी क्यू पी डैश, और उसमें ये एंगल आर के साथ उसका कॉस ले लें अगर, कॉस ऑफ एंगल आर, तो अभी यहां पर पी डैश पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कॉस ऑफ आर लेंगे तो वो पी पी डैश डिवाइडेड बाय पी क्यू हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप, तो ये पी क्यू एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड करते पी क्यू एलिमिनेट हो जाएगा, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू, पी क्यू एंड पी क्यू एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा साइन ऑफ एंगल आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर इज क्यू आर, क्यू आर हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट यानी कि कैपिटल एल, डिवाइडेड बाय ये आएगा पी पी डैश जो कि थिकनेस ऑफ स्लैब यानी कि टी के बराबर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये आ गया दैट लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज टी टाइम्स साइन ऑफ आई माइनस आर एंड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आर, ये बनेगा आंसर। बढ़ जाए आगे, हो जाएगा अभी, ये डेरिवेशन सिंपल है। यस, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इमेज बाय द ग्लास स्लैब, अब यहां से थोड़ा ध्यान देना यार, क्योंकि ना ग्लास स्लैब के क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ते हैं लोगों को। इमेज बाय द ग्लास स्लैब में हम लोगों ने यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, सर्कल से, ब्लू सर्कल से एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, और दो रेज इससे बाहर आई है, क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मिनिमम दो रेज आप कंसिडर करिए। तो हमने एक रे ऑब्जेक्ट से किसी एंगल पर कंसिडर की है जो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट होने के बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से बाहर आएगी, और सेकेंड वाली रे जो ग्लास स्लैब के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है, जो रे परपेंडिकुलरली ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगी वो बिना किसी डेविएशन के बाहर निकल जाएगी। सो रे टू एंड इमर्जेंस ऑफ द रे टू, रे वन जो ग्लास स्लैब के ऊपर गई उसका इमर्जेंस विथ सम लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों इमर्जेंट रे को आप एक्सटेंड करके मीट करोगे, तो इमर्जेंट रे वन को बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे और इमर्जेंट रे टू को बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे, तो जहां पर ये कट कर रहे हैं एक दूसरे को उसको बाय डेफिनेशन आप पॉइंट ऑफ इमेज कह सकते हो कि यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, और हमें यही फाइंड आउट करना है कितना होगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इस इमेज के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना होता है। नॉर्मली इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, कितना बनेगा ये डिस्टेंस कैपिटल एस की वैल्यू। देखो क्या होगा इसमें तरीके, हालांकि इसके बहुत सारे हैं, मेथड्स बहुत सारे इसको सॉल्व करने के। देखो सबसे पहले क्या करो, जो पहला वाला रिफ्रैक्शन है इसको मैं ना सिस्टमेटिकली चलता हूं, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन है फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हमने सरफेस ए बी पर किया है उसकी बात करो जरा, तो वहां पर जो रे रिफ्रैक्ट हुई है फर्स्ट सरफेस पर, हम इस रे को बैक साइड एक्सटेंड कर रहे हैं, सरफेस ए बी पर जो रे रिफ्रैक्ट हुई है इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करो, तो इसको हम कोई पॉइंट आई डैश डिनोट कर देते हैं, और ये डिस्टेंस अभी आपको मैंने एक तरीका बताया, प्लेन सरफेस पर जब भी रिफ्रैक्शन होगा प्लेन सरफेस पर, तो इमेज का डिस्टेंस आप डायरेक्टली निकालने के लिए क्या कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के लिए सिंपल सा एक तरीका बता दिया आपको ऑब्जेक्टिवली, कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट उस प्लेन सरफेस से सपोज एक्स डिस्टेंस पे है, तो रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी वो हमेशा एक्स मल्टीप्लाइड बाय म्यू टू बाय म्यू वन, अभी स्टार्टिंग में यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप कहीं भी प्लेन सर्फेस पर रिफ्रैक्ट हो गए प्लेन सर्फेस पर, तो जितना डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट का है उसमें म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन कर दीजिए, उसकी इमेज वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो फर्स्ट सरफेस के लिए म्यू टू और म्यू वन क्या बनेंगे, फॉर द फर्स्ट सरफेस अगर मैं म्यू टू बाय म्यू वन की बात करूं, तो पहले वाले सरफेस के लिए रे सराउंडिंग से
स्लैब के अंदर जाएगी। तो म्यू टू जब यहाँ पर रखेंगे तो म्यू टू हमारा म्यू ऑफ स्लैब होगा और म्यू वन हमारे लिए म्यू ऑफ सराउंडिंग, एस यू आर फॉर सराउंडिंग, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका। अब सेकेंड सरफेस के लिए, मतलब फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट ए बी फॉर्म्स, आप कह सकते हो कि फॉर्म्स इमेज एट आई डैश। नाउ सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात करो, सेकेंड रिफ्रैक्शन जो सरफेस सी डी पर होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट किसको ट्रीट करेंगे, ये एक पॉइंट है। तो सरफेस सी डी, हाँ सरफेस सी डी के लिए जो रे स्ट्राइक हो रही है, जो रे सरफेस सी डी पर इंसिडेंट हुई, वो आपको ऐसा अपीयर होगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो आई डैश पॉइंट से आ रही है, तो आप आई डैश ऑब्जेक्ट मानेंगे, आई डैश को ऑब्जेक्ट कंसिडर करो एज ऑब्जेक्ट। तो ये आई डैश सेकेंड वाली सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस ऑफ आई डैश फ्रॉम सेकेंड सरफेस अगर कैलकुलेट करें कि आई डैश का टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेकेंड सरफेस कितना है, तो ये टोटल डिस्टेंस है x मल्टीप्लाइड बाय म्यू स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग प्लस टी। तो अब सेकेंड सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद ये जो फाइनल इमेज बनेगी, मेरे को सिर्फ एक कंसेप्ट पता है, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन जहां पर भी हो, इमेज वाला डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आप ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस देख लें और उसमें म्यू टू बाय म्यू वन से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। यानी ये जो आखिरी वाली इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है सेकेंड सर्फेस के रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनी है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होगी जो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किया है वो है टी प्लस म्यू स्लैब डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसमें फिर मल्टीप्लाई करेंगे म्यू टू बाय म्यू वन, बट म्यू टू म्यू वन की आइडेंटिफिकेशन सही होनी चाहिए आपकी। सेकेंड सर्फेस पर इंसिडेंट रे ग्लास में है और रिफ्रैक्टेड रे सराउंडिंग में जा रही है, तो म्यू टू हमारे लिए म्यू सराउंडिंग रहेगा और म्यू वन हमारे लिए म्यू स्लैब रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आपका कितना हुआ, और अब देखो कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट सेकेंड सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड सरफेस अगर देखी जाए तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेकेंड सर्फेस एक्स प्लस टी है, और डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द सर्फेस सेकेंड सर्फेस, ये यहां पर राइट साइड लिखा जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए कितना आएगा, आप देखो इसके हिसाब से, इनके हिसाब से डिफरेंस की वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जिसको कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं ये कितना बनेगा, कैपिटल एस ओ और आई के बीच का डिस्टेंस, तो कैपिटल एस टी इनटू म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब माइनस वन। हाँ मतलब ये पूरा टर्म जो यहाँ पर लिखा है ये पूरा बड़ा वाला एक्सप्रेशन, और उसमें से माइनस करेंगे एक्स प्लस टी को, माइनस एक्स प्लस टी, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा टी इन ब्रैकेट वन माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब। एक बार अपने आप करके जरूर देखना इसको, इस चीज को करके जरूर देखिएगा। बोलो सर, वो वन माइनस नहीं होगा सर, वो म्यू एस आर अपॉन म्यू एस स्लैब माइनस वन। नहीं सर, वन माइनस ही होगा, सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि करिए इसको, क्योंकि ना ये जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो ना, ये अभी कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपके देखोगे अभी, और इस लॉजिक को बिठाओ ऑब्जेक्टिवली कि प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन जब भी दिखाना है आपको, तो इमेज की डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन। सर हाँ सर, जो आपने राइट साइड में ब्लू से लिखा है टी प्लस म्यू एस बी अपॉन म्यू एस आर, इसमें सर ये बता दीजिए जो म्यू टू बाय म्यू वन आपने म्यू एस आर अपॉन म्यू एस बी को लिखा है, बता दीजिए एक बार। देखिए सरफेस ए बी पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, सरफेस ए बी पर जो रिफ्रैक्शन है, तो उस समय इंसिडेंट रे सराउंडिंग से आई है, रिफ्रैक्ट होकर के आप स्लैब में गए, लेकिन सरफेस सी डी पर
इंसिडेंट रे तो ये स्लैब के अंदर है ना, यस सर। तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम हुआ, मतलब जो इंसिडेंट रे है वो हमारे को म्यू वन बताता है, और रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग जहां जाएंगे वो हमारे लिए म्यू टू होगा। ओके सर, समझ गया। अब इस कंसेप्ट को समझो, देखो क्या है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, ये जो देख रहे हो ऑब्जेक्ट और इमेज, लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट और राइट साइड इमेज, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है, उसके अंदर कहीं पर भी स्मॉल एक्स नहीं आ रहा है। स्मॉल एक्स का मतलब पहले वाले सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, वो तो हमारे फाइनल आंसर में है नहीं। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इमेज है और ऑब्जेक्ट, ये एक कॉन्स्टेंट सेपरेशन पर रहेंगे, चाहे ये ऑब्जेक्ट स्लैब से ज्यादा डिस्टेंस पर रखा जाए, चाहे ये ऑब्जेक्ट स्लैब से कम डिस्टेंस पर रखा जाए। अब मैं आपको इस पॉइंट का मतलब भी समझाता हूँ कि इस पॉइंट का एक्चुअल मतलब है क्या, इस पॉइंट का एक्चुअल में क्या मतलब है। ये जो टी इंटू वन माइनस म्यू एस आर अपॉन म्यू एस बी करते हो, इसका मतलब क्या है ये आपको मैं नेक्स्ट डायग्राम पे समझाते हैं। ये एक्चुअली ना आपको ये बताया जाता है कि अगर कोई रे इस स्लैब के ऊपर आए, मान लो हम लोग इस स्लैब के ऊपर एक रे डालें, वो रिफ्रैक्ट हो और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो फिर से बाहर की तरफ ऐसे इमर्ज कर जाए फिर से, और अगर हम इस स्लैब के ऊपर कोई एक्सिस बना देते हैं, स्लैब के ऊपर एक लाइन बना देते हैं, तो अगर ये स्लैब एब्सेंट होती, अगर ये स्लैब एब्सेंट होती तो जो आपकी ये इंसिडेंट रे है ये कंटिन्यू करती, इंसिडेंट रे हमारी ऐसे कंटिन्यू करती वापस इधर की तरफ। इसको आप अपना ऑब्जेक्ट मानेंगे, और रिफ्रैक्शन होने के बाद की जो रे जहां पर कट कर रही है इसको आप आई पॉइंट से मानेंगे, और यही सेपरेशन आप डिफाइन करते हो, इसी सेपरेशन को आप कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हो, जिसको कि टी वन माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब के फॉर्मूले से लिखोगे आप। और ये किसी भी टाइप की रे के लिए वैलिड होगा, किसी भी टाइप ऑफ रे के लिए वैलिड होने का मतलब, यहां पर मैंने किस टाइप की रे दिखाई हुई है, देखो आप, मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं, यहां पर देखो एक और डायग्राम दिखा रहे हैं, उसके बाद तुम समझ पाओगे क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक स्लैब के ऊपर हम दो तरीके से रे इंसिडेंट करा सकते हैं, पहला आप इसके ऊपर कन्वर्जिंग रेज लेकर के आओ, फर्स्ट एक स्लैब के ऊपर कन्वर्जिंग रेज लाइए, दूसरा स्लैब के ऊपर डाइवर्जिंग रेज लेकर के जाओ। अब रिजल्ट क्या बनेगा ये बताओ। देखो पहले वाले केस में अगर रिफ्रैक्शंस ना होते तो ये जो रेज आपने स्लैब पर स्ट्राइक करवाई है ये स्ट्रेट लाइन पर चलती, ये स्ट्रेट लाइन पर ऐसे आती, ये वाली रे स्ट्रेट लाइन पर आती, और ये दोनों रेज आ करके हमारे मान लो इस पॉइंट पर कट करते, बाय डेफिनेशन ये ऑब्जेक्ट है। सेकंड केस में तो डायरेक्टली इसको ऑब्जेक्ट कहोगे। अब क्या होगा, क्योंकि ये रेज ग्लास स्लैब के अंदर जब जाएंगी तो रिफ्रैक्ट कर जाएंगी, तो अब आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाओ। इनसाइड ग्लास स्लैब ये रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस फिर पैरेलल डायरेक्शन से आएंगी। सेकंड वाली रे भी ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद फिर वो ओरिजिनल रे के पैरेलल गई, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तरीके से राइट साइड शिफ्ट कर गया। मतलब स्लैब की एब्सेंस में जिस पॉइंट पर वो रेज इंटरसेक्ट होनी चाहिए थी, स्लैब की प्रेजेंस में उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज हो गया, उसको नया पॉइंट आई कह रहे हो, और यही सेपरेशन हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करके और इसी को कैलकुलेट करते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ टी वन माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब, ये इसका मतलब होता है। और अगर डाइवर्जिंग रेज भेजी है मैंने, डाइवर्जिंग रेज, तो स्लैब के दूसरे साइड पे जब आप खड़े होंगे, स्लैब के अदर साइड पर, तो ये रेज स्लैब के अंदर से जाएंगी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट्स की वजह से आगे निकलेंगी ये,
ये रेज भी स्लैब के अंदर रिफ्रैक्ट होगी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रे भी बाहर आएगी, और इनको जब बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बाद वालों को, तो ये पीछे आकर के जिस पॉइंट पर मिल जाएंगे आपको, इसको आप आई से डिनोट कर दो इसको, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो बाय द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल एस, इसी फॉर्मूले से। यानी कि जो रेज ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हो रही है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर उनका पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब जहां से वो रेज डाइवर्ज हो रही थी, एक्चुअल में जहां से रेज डाइवर्ज हो रही थी, स्लैब के दूसरे साइड से जब देखा जाएगा तो ऐसा लगता है कि ये रेज कहीं किसी और पॉइंट से डाइवर्ज होकर के आ रही है। एक्चुअल में रेज पॉइंट ओ से डाइवर्ज कर रही है, स्लैब के दूसरे साइड से अगर आप खड़े होकर के देखोगे, यहां से कोई पर्सन देखे तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज उसकी आईज में इंटर जाएंगी, ये रेज पॉइंट ओ से डाइवर्ज करने की बजाय पॉइंट आई से डाइवर्ज हो रही है। मतलब स्लैब के दूसरे साइड से खड़े होने पर आई एज अ कैपिटल आई वाला जो पॉइंट है ये हमें ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा, और अगर अगर कन्वर्जिंग रेज है तो जो उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो चेंज हो गया स्लैब की वजह से, वो किसी और पॉइंट पर शिफ्ट कर गया, और इसीलिए इसको कैपिटल एस पॉइंट से डिनोट कर रहे हैं, शिफ्टिंग का पॉइंट टी इंटू वन माइनस म्यू एस आर अपॉन म्यू एस बी। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर शिफ्टिंग जो कि टी इंटू वन माइनस म्यू सराउंडिंग बाय म्यू स्लैब से आप कैलकुलेट करोगे, अगर ये शिफ्टिंग पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब आपको शिफ्ट करना है इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब रे की जो डायरेक्शन होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। नेगेटिव में आया अगर यही चीज तो इसका मतलब शिफ्ट करेंगे इन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। अब इसको कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ समझाएंगे आपको। देखो कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ समझाते हैं। नेक्स्ट, ये मैंने एक स्लैब और मिरर का एग्जांपल लिया है, स्लैब और उसके दूसरी तरफ एक मिरर है, और हमें यहां पर इमेज की लोकेशन बतानी है कि कहां पर बनेगा इमेज। देखिए मतलब एक स्लैब है और स्लैब के पीछे मिरर है, स्लैब के पीछे मिरर है, और यहां पर एक ब्लू सर्कल का ऑब्जेक्ट है, और आपको यह बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी। इमेजिन करिए अगर ये स्लैब ना होता तो क्या सिचुएशन होती, इमेजिन करो। मतलब अगर हम इस सिचुएशन को ऐसे ले कि अगर प्लेन मिरर होता और प्लेन मिरर के सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा होता, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने डायरेक्टली प्लेस किया होता आपने, सपोज दैट 40 सेंटीमीटर पे, तो मिरर के कितना पीछे इमेज बनती अगर ये प्लेन मिरर के सामने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। फंडामेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप कह देते कि इमेज मिरर के पीछे 40 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। अब आप सोचो कि स्लैब की वजह से क्या फर्क पड़ जाएगा। मान लेते हैं कि अभी भी ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर पे है, मान लो ये ऑब्जेक्ट अभी भी इस मिरर से 40 सेंटीमीटर पे है, और स्लैब की कुछ थिकनेस है, तो अगर बिना स्लैब का केस होता, बिना स्लैब के, तो ऑब्जेक्ट की जो रेज निकलती, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती वो बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के मिरर पर डायरेक्टली स्ट्राइक कर जाती। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गई, जो रेज ऑब्जेक्ट से निकल रही है, डाइवर्स करती हुई निकल रही है, ऑब्जेक्ट से जो रेज डाइवर्स करती हुई निकल रही है, वो रेज बीच में स्लैब इंट्रोड्यूस करने की वजह से जिस पॉइंट से वो एक्चुअल में डाइवर्स करके बाहर आई थी, मिरर को ऐसा फील होगा, मिरर को ऐसा लग रहा होगा कि जो रेज मिरर के ऊपर स्ट्राइक हो रही है वो पॉइंट ओ से डाइवर्स करने की बजाय पॉइंट आई वन से डाइवर्स कर रही है। यानी मिरर अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट किसको मानेगा, मिरर खुद के लिए आई वन पॉइंट। तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कुछ डिफरेंट हो गया, यस सर। और उसके बाद एक और कहानी है, अभी दो बार होगा, इसके बाद ये जो रेज रिफ्लेक्ट होंगी इनके साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद भी स्लैब से क्रॉस करना है आपको। तो इस रे डायग्राम को पूरी तरीके से देखो, मैं दिखा रहा हूं आपको,
रे वन पर फोकस करिएगा, रे वन स्लैब पर इंसिडेंट हुई, स्लैब से रिफ्रैक्ट हुई, फिर स्लैब से इमर्ज हुई, मिरर पर स्ट्राइक हुआ, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, एक बार फिर स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्ट होगा और फिर स्लैब से बाहर इमर्ज होगा। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की जगह आप अपने आप को मान लो कि आप खुद खड़े हो यहां पर, तो आपको अपनी इमेज मिरर में कितना पीछे दिखेगी, आपकी इमेज खुद को मिरर में कितना पीछे दिखेगी? तो आप अपनी इमेज कब देख पाओगे? कोई भी पर्सन अपनी इमेज कब देखेगा? देखो कोई भी पर्सन की बात कीजिए, अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो हमको अपनी इमेज देखने का जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी से कोई रे मिरर पर जाए और वापस पलट करके हमारी आईज में आ जाए, तभी आप अपनी इमेज देखोगे। क्वेश्चन यही है कि हमको अपनी इमेज कहां पर दिखेगी, बताएं हमको अपनी इमेज। अगर मान ली ये पर्सन मिरर से 40 सेंटीमीटर पे खड़ा है तो इसको अपनी इमेज कहां पर दिखेगी? सपोज दैट ये डिस्टेंस मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर का है, सर 40 से कुछ कम दिखेगी मिरर में? कितना कम, यही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तो वही शिफ्ट है सर, 40 माइनस शिफ्ट। शिफ्ट दो बार होगा यार, इसको समझो, आपको ना मैं ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको डायग्राम छोटा करके दिखाता हूँ। अब देखो आप विजिबल है आपकी तरफ, ये खराब है। देखिए मान लो ये थिकनेस जो है, सपोज करो कि ये थिकनेस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बाहर एयर है, तो पहले तो हम पिछला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, शिफ्टिंग इक्वल्स टू टी इंटू 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ स्लैब। इससे पहले कैलकुलेट करो क्या आंसर आएगा, इसमें से शिफ्टिंग की वैल्यू कितनी आएगी। तो थिकनेस 3 सेंटीमीटर की लेनी है, स्लैब 1.5 हो गया और सराउंडिंग में एयर यानी कि म्यू बराबर 1 लेना है उसका, तो 3 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 सेंटीमीटर तो 1 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब समझो, फॉर्मूले से इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेज इस आदमी से निकल करके स्लैब को क्रॉस करके और मिरर पर स्ट्राइक हुई, तो मिरर के लिए जो इंसिडेंट रे है, मिरर के लिए जो रे इंसिडेंट हुई है, वो ऐसा लगेगा कि वो I1 पॉइंट से आ रही। तो वो I1 पॉइंट मिरर से कितनी दूर है? ये जो शिफ्टिंग आपने कैलकुलेट की है 1 सेंटीमीटर की, ये वाली डिस्टेंस है। तो अब मिरर की नजर में जो ऑब्जेक्ट है वो तो 39 सेंटीमीटर पे हुआ, और मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करोगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर ये एंगल और ये एंगल बराबर करेंगे जब, तो आप ये प्रूफ कर सकते हो कि जो डिस्टेंस I1 का पॉइंट मिरर से होगा, I1 और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद की रे को जब आप पीछे एक्सटेंड करोगे, जो रे मिरर पर स्ट्राइक हुई है वो रिफ्लेक्ट हो गई, उस रिफ्लेक्टेड रे को, ये जो मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है इसको अगर हम बैक साइड पर एक्सटेंड करें तो हमारा पॉइंट I2 आ रहा है। पॉइंट I2 मिरर से कितना पीछे होगा? पॉइंट I2 39 सेंटीमीटर। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे वापस स्लैब से रिफ्रैक्ट होगी, पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन से 39 सेंटीमीटर पीछे, फिर हमने इस स्लैब को क्रॉस किया और स्लैब की वजह से फिर हम शिफ्ट कर गए, और फिर आपकी बार शिफ्टिंग आपकी 1 सेंटीमीटर की होगी। और क्यों लेफ्ट शिफ्टिंग हो रही है? देखो शिफ्टिंग लेफ्ट साइड क्यों हो रही है, क्योंकि शिफ्टिंग पॉजिटिव आई है आपकी। पहली बार स्लैब के ऊपर जो रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट टाइम, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही थी, फर्स्ट टाइम लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना था, तो हम लोगों ने राइट साइड की तरफ शिफ्टिंग दिखाई है। और दूसरी बार लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ रे जानी है, राइट से लेफ्ट की तरफ जानी है रे को, राइट टू लेफ्ट, तो अब आप 1 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हो। यही स्टेटमेंट पीछे लिखा हुआ हमने, कि पॉजिटिव शिफ्टिंग जब भी आएगी तो आपको शिफ्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रे दिखानी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली हमारी आई तो इस रे को रिसीव करेगी ना, अगर किसी की आई होगी तो आई के अंदर तो ये वाली रे जाएगी, तो उसको क्या लगेगा कि मिरर से कितना पीछे खड़े हम लोग, मिरर के कितना पीछे डिस्टेंस में वो रे आ रही है? 38।
तो 40 सेंटीमीटर आगे अगर आदमी खड़ा है तो उसको अपनी इमेज मिरर के पीछे 38 सेंटीमीटर पे दिखेगी। एक और एग्जांपल दिखाता हूं इसका। अब यहां पर क्वेश्चन के फॉर्म में देखो इसको, सेम चीज है क्वेश्चन के फॉर्म में, वही चीज है। इसमें रे डायग्राम्स मैंने बनाए नहीं है, अब आपके सामने रे डायग्राम बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट से रे स्लैब पर गई, मैं फिर बोल रहा हूं ये रे आगे इस पाथ को कंटिन्यू नहीं कर पाएगी, ये जो पाथ था ये कंटिन्यू होगा ही नहीं, स्लैब की वजह से ये रे थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होने के बाद और फिर बाहर निकल के ऐसे जाएगी। तो आप मेरे साथ साथ रे डायग्राम बनाते हुए समझो, ये जो पॉइंट बैक साइड पर एक्सटेंड करोगे आप यहां पर, ठीक है, सेम डेटा यूज किया है, 3, 1.5 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 21 है, तो अब आप 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर गए। मेरे साथ साथ देख लो आप। अब रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट दिखाओ। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां से जो लाइट मान लो रिफ्लेक्ट हुई, इसको जब बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा यार, बताएं। इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं बैक साइड पर लेके जाऊं, बैक साइड पर, तो ये मिरर से कितना पीछे उस हॉरिजॉन्टल लाइन को कट करेगी, A-1। तो A-21 है और ये शिफ्टिंग 1 आएगी यहां पर, मतलब ये डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर का हुआ, ये पूरा डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर बन रहा है। तो हम 20 सेंटीमीटर पीछे जाकर चले जाएंगे यहां से, फिर ये रे स्लैब पर जो आएगी ना, फिर ये, फिर जब ये स्लैब से बाहर निकलेगी क्योंकि लेटरल शिफ्टिंग होगी यहां पर, तो फिर इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करो, फिर इस रे को बैक साइड एक्सटेंड करिए, और ये एक बार और शिफ्ट कर गया, फिर से 1 सेंटीमीटर इधर आ गए, और ये चीज हमारी फाइनल इमेज कहलाएगी। तो अल्टीमेटली हमारी फाइनल इमेज मिरर से कितना पीछे है, अल्टीमेटली लास्ट इमेज 19 सेंटीमीटर, यही आंसर देंगे कि फाइनली इमेज 19 सेंटीमीटर पीछे है। और एग्जांपल देखो, इस बार ऑब्जेक्ट को स्लैब के ऊपर रखा है मैंने, पिछले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट स्लैब से दूर था लेकिन कितना दूर था वो मैटर नहीं कर रहा था, अभी ऑब्जेक्ट स्लैब की फ्रंट सरफेस पर रख दिया है, क्या फर्क पड़ेगा ऑब्जेक्ट स्लैब की फ्रंट सरफेस पर। तो अभी हम कोई ट्रिक बताने से पहले आपको जनरलाइज अप्रोच देंगे। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगी, वो रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो पहले आप रिफ्रैक्शन वाला कंसेप्ट लगाओ कि जब ये रे रिफ्रैक्ट हुई है तो इसको बैक साइड लेके जाओ, जो रे रिफ्रैक्ट हुई है इसको बैक साइड पे लाए। तो पहला पॉइंट हमारा जो I1 होगा ये कितने डिस्टेंस पर होगा, तो ये प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन है, प्लेन सरफेस, और रिफ्रैक्शन कौन से सरफेस से हो रहा है, सरफेस 1 से हो रहा है या फिर सरफेस 2 से हो रहा है, तो 2 से, हाँ तो 2 से हमारा ऑब्जेक्ट कितनी दूर था, सरफेस 2 से ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे था, 6 सेंटीमीटर। तो उससे जो इमेज बनेगी प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनेगी, इसी के लिए मैं कह रहा था आपसे 6 × μ2 / μ1। और सेकंड सरफेस पर हम लोग स्लैब से एयर में जा रहे हैं, फ्रॉम स्लैब इनटू एयर, तो सेकंड मीडियम एयर यानी कि 1 और फर्स्ट मीडियम स्लैब यानी कि 1.5, कितना हो गया ये डिस्टेंस अब, 4। इसका मतलब जानते हो रे डायग्राम गलत बना है मेरा, एक्चुअली रे डायग्राम गलत बना है क्योंकि हमने क्या किया है इसमें, एक गलती ये हो गई हमसे यहाँ पर, नॉर्मल के हवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, हाँ वो मिस्टेक करी है मैंने, एक्चुअली वो गलती हुई है हमारे यहाँ पर, तो उसको सही कर लेते हैं। मतलब ये जो रे हमने दिखाई है ना ये गलत बन गई है हमसे, ये रे एक्चुअल में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, वो हमने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, बट ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी कुछ, समझ पाए पॉइंट आपका, बोलो। यस सर। एनीवे, अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट किसको मानोगे,
देखिए इसमें नंबर वन पहले देखिए पहले क्या होगा रिफ्रैक्शन, मैं वर्ड्स में लिख दे रहा हूँ, तो पहले रिफ्रैक्शन एट सरफेस टू होगा, रिफ्रैक्शन एट सरफेस टू होगा, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन एट मिरर होगा, और रिफ्लेक्शन एट मिरर के बाद फिर क्या होगा आपका जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि जो लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है पहले वो पीछे लाओ, तो ये कितना पीछे ला करके इमेज बनेगी इसकी, कितना पीछे जा करके इमेज बनेगी, यानी ये डिस्टेंस। तो मिरर पर जो रे 17 बच्चा एक मिनट को डायग्राम गलत हो गया ना इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रही है, एक मिनट को सही कर ले लो, फिर ऑप्टिक्स में ये बड़ी समस्या है, पूरा मिरर ही गायब हो गया, कोई बात नहीं दिखाते फिर से ऐसे देखिए। तो हम लोग ये कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई, मान लो थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं आपको समझ आएगा, और ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। तो सबसे पहले आप ये वाली रे दिखा रहे थे जो रिफ्रैक्टेड रे थी, इसको बैक साइड ला रहे हो, ये जिस पॉइंट पर इमेज बना रहा है इसको आई कह दो, आई वन, ये डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ तक का कैलकुलेशन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताइए, 6 सेंटीमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर कैसे हुआ वो? अब मिरर पे, अब मिरर पर जो लाइट इंसिडेंट हुई है इसका रिफ्लेक्शन होगा, मैं भी बाद में इसको आगे बढ़ाऊंगा, पहले एक एक स्टेप समझो आप। इस रिफ्लेक्टेड रे को बैक साइड बढ़ाओ, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो जितनी डिस्टेंस पर आपका ये पॉइंट आई वन है उतनी ही डिस्टेंस बैक साइड पर उसका इंटरसेक्शन होगा पीछे, और इसमें ए 21 था, ए मतलब ये पूरा डिस्टेंस हमारा 21 है और ये टी 6 है, बताओ आई वन कितने डिस्टेंस पर है वहां से? 19. तो ये 19 हो गया, 19 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या होगा, ये रे वापस स्लैब की तरफ आएगी, यहां तक का हो गया, अब ये स्लैब से आई, लेकिन अब जब ये रे स्लैब में आएगी तो ये स्लैब से जब बाहर निकलेगी, स्लैब से जब बाहर निकलेगी ये रे, तो आप इसको पीछे एक्सटेंड करो, स्लैब से बाहर निकलने पर पीछे एक्सटेंड करो। अब नहीं, आप सुनो, गलती कर रहे हो, यही मैं समझा रहा हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, ये गलती होगी इस क्वेश्चन में। यहाँ पर मैंने कंसेप्ट कौन सा लगाया था आपको बताऊं? सर प्लेन वाला था सर, वो प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन। देखिए शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट तब लगाएंगे जब दो रिफ्रैक्शन हो। आप इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे जाओ, इस डेरिवेशन में कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ है, ये जो डेरिवेशन निकाली जाती है इस एस की, उसके अंदर नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। क्या यहां पर फर्स्ट टाइम 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है? अगर ऑब्जेक्ट फ्रंट सरफेस पे ही रखा है आपने तो पहले सरफेस पर तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, तो सिर्फ सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया है। ये 4 सेंटीमीटर कहां से आया बताऊं आपको? ये 4 सेंटीमीटर प्लेन सर्फेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज किया मैंने, लेकिन जब लाइट मिरर से पलट करके स्लैब पर जाएगी, लाइट रे मिरर से वापस जब स्लैब पर आएगी तब 2 रिफ्रैक्शन होंगे। एग्री कर रहे हो इस बात से कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. तो अब जो ये डिस्टेंस होगा आपका, ये अब आप शिफ्टिंग से कैलकुलेट करो, T into 1 minus SR by 1 minus, और वो कितना आएगा? ये जो कैपिटल एस है इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, T into 1 minus μSR/μ slab। बोलिए कितना आएगा ये डिस्टेंस? सर टू। तो इसका मतलब फाइनली इमेज मिरर से कितना पीछे है बताओ? 17। ये आंसर आएगा। ये बड़ा के ध्यान दीजिएगा कि सिंगल रिफ्रैक्शन है कि डबल रिफ्रैक्शन है। एक और दिखाता हूं,
इसको देखो, स्लैब को ही सिल्वर कर दें तो क्या होगा? स्लैब को ही सिल्वर कर दिया गया। मैं तुमसे बोला ये मेरा ओपन चैलेंज है आज के डेट में कि इसमें अगर इससे ज्यादा केसेस को ला के दिखा दे आप। ऑब्जेक्ट फ्रंट सरफेस पर है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट से मिरर पे गए, इसमें रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, डायरेक्ट मिरर पर नहीं चले गए। यस सर, यस सर। तो पहले तो डायरेक्ट इमेज बनाओगे रिफ्लेक्शन से, एक स्टेप बाय स्टेप चलो ना। तो ये इमेज कितना पीछे होगी बताओ आप, ये मिरर के कितना पीछे चले गए, इमेज कहाँ पर बनेगी? ये सर टी बनेगी, टी से सर, टी टी 6 सेंटीमीटर है। अब आगे बढ़ो, अब ये दो रिफ्रैक्शंस करेगी या एक रिफ्रैक्शन होंगे ये बताओ पहले। सर एक होगा, एक ही होगा ना इसमें, और वो भी अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल, ये देख सकते हो आप। अब आप ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हो, फ्रॉम अवे हो जाए। तो अब आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, स्लैब वाला नहीं लगाएंगे इसमें। अब यहां पर सिंगल रिफ्लेक्शन, सिंगल रिफ्रैक्शन हो रहा है, सिंगल रिफ्रैक्शन। तो इस रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर दिस रिफ्रैक्शन, हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं बता रहे हैं आपको, म्यू टू बाय म्यू वन मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, तो जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ग्लास स्लैब की फ्रंट सरफेस पर गई है, वो फ्रंट सरफेस से कितनी दूर से आती हुई लग रही है मुझे? 12 सेंटीमीटर। तो उसके रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बनेगी, मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज बनेगी, रिफ्रैक्टेड रे को जब आप पीछे की तरफ लाओगे, रिफ्रैक्टेड रे को बैक साइड लाओगे, तो ये जो पॉइंट होगा ये फ्रंट सरफेस से कितने डिस्टेंस पे होगा? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12 को हम म्यू टू बाई म्यू वन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन म्यू टू क्या लेंगे? अब हम स्लैब से एयर में जा रहे हैं, तो म्यू टू एयर लेंगे, जिसमें जा रहे हैं वो एयर है और जहां से आ रहे हैं वो स्लैब है, तो 1.5। कितना आंसर आ जाएगा इसका? इस तरीके से, तो ये रट करके नहीं हो पाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इतने वेरिएशन से इस न्यूमेरिकल्स में कि आप रट के तो नहीं कर सकते इसको। तो ये ध्यान दीजिए, अगर सिंगल रिफ्रैक्शन का हो रहा है, सिंगल रिफ्रैक्शन देख रहे हो, तो ये म्यू टू बाई म्यू वन वाला कंसेप्ट लगाओ, और अगर ग्लास स्लैब के दोनों सर्फेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आप शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट लगाओ। और एग्जाम्पल सीखू यहाँ पर, अब ऑब्जेक्ट स्लैब से दूर कर दिया मैंने, क्या फर्क पड़ जाएगा? सेम क्वेश्चन हो गया, ऑब्जेक्ट स्लैब से दूर हो गया, तो अब जो रे ऑब्जेक्ट से जाएगी बताओ सर, यहाँ पे इन टोटल दो रिफ्रैक्शन होंगे सर, दो रिफ्रैक्शन। तो पहली वाली रिफ्रैक्शन से इमेज दिखाओ, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की इमेज पीछे की तरफ दिखाओ, और अब आप डायरेक्टली ये फास्ट करना सीखिए, ये डिस्टेंस निकालिए। तो फ्रंट सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, आप देखो फ्रंट सरफेस से, फ्रंट सरफेस से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस a माइनस t, यहां देखो a 30 है और t 6 है, 24। रिफ्रैक्शन के बाद जो उसकी इमेज बनेगी उसमें आप 24 मल्टीप्लाइड बाय म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू इस बार स्लैब है और म्यू वन वन, तो 24 इंटू 1.5 बाय 1 36 सेंटीमीटर। अब मिरर से रिफ्लेक्शन दिखाएंगे, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इसको बैक साइड पे लाओ, ठीक, ये कितने डिस्टेंस पे हुआ, मिरर से कितना पीछे हुए? 36 नहीं होगा भैया, वो 36 ग्लास, हाँ ग्लास स्लैब के फ्रंट सरफेस से है, मिरर से कितनी दूर हो आप, आई वन पॉइंट मिरर से कितना दूर है, तो 36 प्लस टी 42, ये 42 हुआ, बड़ा केयरफुल रहिएगा इसमें। और एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगा, अभी एक बार लाइट रे फिर रिफ्रैक्ट होगी यहाँ पर फ्रंट सरफेस पर, तो फिर पीछे की तरफ आओ, अब ये फिर रिफ्रैक्शन सिंगल सरफेस का है। तो अब दूसरी बार जब आप रिफ्रैक्ट हो रहे हो, सेकेंड टाइम जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको आप आई टू पॉइंट कहो, तो हमारा यहां से आई टू तक का जो डिस्टेंस है पूरा, आई टू तक का
वो है 48. तो यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद की जो इमेज बनेगी ये, अब यहाँ पर फिर 48 इंटू म्यू टू बाई म्यू वन, बट दिस टाइम म्यू टू वन होगा और म्यू वन 1.5 होगा. सो 32. सो फाइनली इमेज मिरर से कितना पीछे है, एट लास्ट जो इमेज बनी वो मिरर से कितना पीछे बन रही, 26. तो बच्चा ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो कितने सारे एग्जांपल है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, और अगर इनको केयरफुली ना देखा जाए ना तो ये देखने में सब क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि सब एक जैसे है लेकिन सब में बहुत माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं. तो अगर कोई रट करके करना चाहोगे तो रटने से तो ये होने वाले रहे आपसे. और देखिए स्फेरिकल मिरर के सामने आ जाए, स्लैब इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या करेंगे? अब की बार ऑब्जेक्ट से मिरर पर लाइट जाने के बीच में कितनी बार रिफ्रैक्ट होगा ऑब्जेक्ट से? दो बार. तो क्योंकि दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है तो अब आप क्या करोगे जानते हो यहां पर, कि फॉर मिरर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से u क्या रखेंगे. तो क्या हम मिरर से ऑब्जेक्ट का जो रियल डिस्टेंस है वो ले लें? नो सर. मिरर से ऑब्जेक्ट तक का रियल डिस्टेंस लोगे? नहीं लोगे आप. क्यों नहीं लोगे? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से रेज निकल करके आएंगी वो डायरेक्ट मिरर पे जाएंगी नहीं, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्लैब के अंदर जाएंगी. सुन पा रहे हो आप कि नहीं सुन पा रहे, बताओ? यस सर. यस सर. आप बताएं क्या लेंगे, यू कितना रखेंगे इसमें? 20. हाँ, जो ए है वो 21 है, ए यहाँ पर 21 है, लेकिन ये 21 नहीं लेंगे क्योंकि ये जो रे है ना ये ऐसे सीधे जा ही नहीं सकती, स्लैब की वजह से ये लेटरली डिस्प्लेस हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर जाएगी. तो इंस्टेड ऑफ 21 आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कंसिडर करोगे यहाँ पर? 20. समझ पाए इसको? समझ पाए 20 कहाँ से लिया हमने? यस सर. क्योंकि ये जो रे मिरर पे जा रही है ना ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट होकर के आ रही है, अब वो स्लैब के अंदर का रे मैंने नहीं दिखाया है बट सिंपल ये ऐसे ये 1 सेंटीमीटर आगे. अब आप मिरर इक्वेशन लगाओगे तो 1/v प्लस 1/u बट साइन कन्वेंशन में -20 = 1/ फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस यानी कि 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, इससे v कैलकुलेट करेंगे. निकालो क्या आएगा इससे v की वैल्यू, मतलब 1/20 एंड -1/10 यानी v की वैल्यू -2/20 -20 आएगा ना सर? शिफ्ट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये जो रे है ना ये वापस पलट करके इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, वापस यहीं से पलट जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस हो गया. 1 सेंटीमीटर शिफ्ट करने के बाद का जो पॉइंट है वो तो अब मिरर से तो 20 सेंटीमीटर हो गया ना ये पूरा, यानी ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. तो अ लाइन कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर वो तो मिरर पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, तो जो भी रे 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी वो वही उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी. अल्टीमेटली इमेज कहाँ बनेगी सर? लेकिन वापस लौटते समय तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो शिफ्ट किधर करेगी? शिफ्ट रे की डायरेक्शन में करेगी. लौटने के बाद आप लेफ्ट साइड जा रहे हो, रे रिफ्लेक्शन के बाद लेफ्ट साइड जाएगी, ऑब्जेक्ट पे बन जाएगी. सर तो वहां पर ऑब्जेक्ट पे बन जाएगी, ऑब्जेक्ट पे ही कंसाइड कर जाएगी इमेज. यस. अच्छा ये शिफ्टिंग आसान टॉपिक नहीं है, मैं फिर बोल लोग इसको बहुत हल्के में टॉपिक लेते हैं, ये वाला स्टूडेंट्स को लगता है कि बहुत छोटा टॉपिक है और फॉर्मूला रट करके हो जाएगा जब तक इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. तो अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, मतलब एक ये प्रॉब्लम है मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है मैं जानबूझ करके. यहाँ पर एक क्वेश्चन है देखो,
मिरर, मिरर के साथ एक मीडियम लगा रखा है हमने एच डिस्टेंस का, ये एच डिस्टेंस का एक मीडियम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ टू, एच डिस्टेंस का मीडियम है और उसके बाद एयर है, इसके बाद एयर है एंड अल्टीमेटली इमेज कहां पर बनेगी। तो इसमें सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट से कोई रे लाकर दिखाएंगे ना, यहां पर इसका एक एग्जांपल करके बता दे रहे क्या करें, ऑब्जेक्ट से आप एक रे लाओ, लेकिन पहले सरफेस पर वो रे क्या होगी, मीडियम बदल गया, एयर से आप कहीं और जा रहे हो, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, तो अब ये रिफ्रैक्ट करके थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगी, तो जैसे ही रिफ्रैक्ट करेगी इसको बैक साइड पे लाओ, ठीक, और ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो प्लेन सरफेस से कितना पीछे जाएंगे हम, तो यहां पर अपना फॉर्मूला बोला आ जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन वाला। तो एयर से हम एक ऐसे मीडियम में जा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन यानी कि 2/1 और मल्टीप्लाइड बाय हमारा ऑब्जेक्ट उस प्लेन सरफेस से कितनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट 25 a माइनस h 25, तो इसको 25 मल्टीप्लाई करके पूरा ये 50 हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस आपका 50 सेंटीमीटर। सर थिकनेस हम लोग कैसे ले सकते हैं सर, वो तो वेरिएबल है, पैरा एक्सेल रे मानते हो आप, पैरा एक्सेल रे, पैरा एक्सेल रे का मतलब आप सिर्फ उन रेस की बात करते हो जो एक्सेस के काफी क्लोज होती है, तो यहां पर थिकनेस एच लेंगे स्मॉल एंगल के। अच्छा, ओके। अब इसके बाद मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब पहला आपका प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन हो गया, प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा, तो इससे हमको आ गया 50 सेंटीमीटर। अब दूसरा रिफ्लेक्शन, तो आप रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाओगे 1/v, क्या रखेंगे u की जगह यहाँ पर, माइनस v। भैया बच्चा ये 50 सेंटीमीटर प्लेन सरफेस से है यार, मिरर के पोल से नहीं है, मिरर के पोल से डिस्टेंस देखोगे आप, -55। अच्छा ये छोटी छोटी गलतियां होंगी, न्यूमेरिकल जाएगा आपका, मैं बता रहा हूँ, उसमें लैग ऑफ कंसेंट्रेशन गया न्यूमेरिकल, और 1/फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस -10, इससे वी निकालेंगे, और ये भी फाइनल आंसर नहीं है, ये फाइनल आंसर नहीं है, बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं, ये भी पहले तो इसका लग, हाँ पहले तो एक बार आप 1/v को रफली अगर कैलकुलेट करें रफली अंदाजे से कितना बनेगा ये, या अगर एक्चुअल में बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है। 1/9 तो अप्रोक्सीमेटली इसको 12 आके आसपास आएगा, 12 मान ले लगभग, yes, 12.2। चलिए इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट यहां से वापस रिफ्रैक्ट होगी, अब मैं जरा कलर चेंज कर देता हूँ लाइट का, तो ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट हुई। अब रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट की तरफ जाना चाहती थी, ये पॉइंट आपका मिरर के पोल से 12.2 पर है, लेकिन रे उस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद फिर प्लेन सरफेस पर लाइट रिफ्रैक्ट होगी, और अब जब इस प्लेन सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो फिर नीचे आ जाएगी। अब सुनना लास्ट पॉइंट है, अब प्लेन सरफेस से जो ये डिस्टेंस बनेगा, प्लेन सरफेस से ये जो डिस्टेंस जहां पर रे फाइनली आई है, एक्स मान लेते हैं इसको, तीसरा नंबर का पॉइंट, अगेन फिर से रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, तो आप डेफिनेशन पे जाइएगा, सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करना है। सेकेंड टाइम जब प्लेन सरफेस पर लाइट रिफ्रैक्ट हुई है तो उसकी इंसिडेंट रे कौन सी है, तो क्या इसका आंसर ये नहीं होगा कि मिरर से रिफ्लेक्ट जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट हुई है वही दूसरी बार प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट हो रही है,
होगा ये चीज? Yes, sir. तो मिरर की जो रिफ्लेक्टेड रे थी, मिरर से रिफ्लेक्टेड रे, वो प्लेन सरफेस से कितना दूर जाकर के कन्वर्ज हो रही थी? मिरर की रिफ्लेक्टेड रे प्लेन सरफेस से कितने डिस्टेंस पे कन्वर्ज करना चाहिए? 12.2 माइनस 12.2 पोल से है भाई, माइनस सर वो 7.2 होगा। हाँ, तो माइनस 5। अब इसमें म्यू टू बाय म्यू वन मल्टीप्लाई कर दो, और इस बार म्यू टू वन ले लेंगे और म्यू वन टू ले लेंगे, ये हमारा फाइनली एक्स की वैल्यू होगी। आई बात समझ में आ ली? यस सर। चलिए अब सुनो, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक ये क्वेश्चन भी है, सॉरी ये उसी क्वेश्चन का पार्ट था एक्चुअली, मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था कि यहाँ पर हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो वो अभी ये तो यूज कर लिया हमने यहाँ पर। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ऐसे ही, इसके बाद के प्रॉब्लम्स और खतरनाक हैं, डबल स्लैब, इसके बाद दो स्लैब और मिरर, तीन स्लैब वाटर मिरर, फिर ये मल्टीपल सर्फेसेस में कहां पर इमेज बनेगी, ठीक है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको छोड़ दे रहा हूं यहां पर, हमें अभी दे देंगे आपको, और एक मैजिकल क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां तक के, और बाकी इसके बाद फोकल लेंथ एंड पावर पढ़ाना है मेरे को। तो मैं इसके पहले तक का नोट्स आपको शेयर करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके करीब 8-10 क्वेश्चन हैं आपके लिए, 11-12 क्वेश्चन के आसपास, प्रैक्टिस करने के लिए आज के टॉपिक पे। बट आज का मतलब आज नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रैक्टिस करो इसे। ठीक है जी, समझ आ गया आपको ये कंसेप्ट? यस यस। थोड़ा देखो मैं बताऊं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मतलब कंफ्यूजिंग ये है कि कब हमको म्यू टू बाई म्यू वन इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है और कब वो स्लैब की शिफ्टिंग वाला फॉर्मूला लगाना है, इसका आइडेंटिफिकेशन कर लो आप। ये डिफरेंस जब क्लियर हो जाएगा ना आपको, तब कंफ्यूजिंग नहीं है ये। और फिर हमको U क्या लेना है, V क्या लेना है, डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, क्योंकि इन सब में गलतियां हो रही हैं हमें। ठीक है जी बच्चा, ये खत्म कर लेना, बिकॉज एक लेक्चर में उसके बाद आखिरी टॉपिक लेंस होगा, आई मीन ये भी खत्म ही हो जाएगा अब ये। बस ये मेन पोर्शन है, लेंस उतना टफ नहीं है, लेंस का टॉपिक आसान है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है। चलिए फिर अगली क्लास में करेंगे इसको, है ना? चलो।